तमिलनाडु में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। सत्ता के गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि बहुत जल्द शशिकला राज्य की सत्ता की कमान संभाल सकती हैं। सत्तारूढ़ AIADMK की कमान अपने हाथों में लेने के बाद VK शशिकला मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं। वहीं इस बारे में फैसला लेने के लिए रविवार को विधायकों की बैठक बुलाई गई है। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल VK शशिकला AIADMK में महासचिव का पद संभाल रही हैं। वहीं पार्टी विधायकों की बैठक बुलाए जाने की खबर के बीच नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें भी तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि शशिकला जल्द ही मौजूदा मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम की जगह खुद मुख्यमंत्री बन सकती हैं। जानकारी के मुताबिक 8 या 9 फरवरी को शशिकला सत्ता की कमान अपने हाथों में ले सकती हैं। जयललिता की विश्वस्त और तमिलनाडु सरकार की मौजूदा सलाहकार शीला बालकृष्णन को भी शुक्रवार रात इस्तीफा देने का निर्देश दिया गया। ये सारी तैयारी शशिकला को नेतृत्व सौंपे जाने के मद्देनजर की जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख जयललिता के आकस्मिक निधन के बाद पन्नीर सेल्वम को मुख्यमंत्री पद सौंपा गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान खुद जयललिता ने पन्नीर सेल्वम को कार्यकारी मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। शशिकला को पार्टी का महासचिव पद सौंपे जाने पर विवाद की स्थिति देखने को मिली थी। इसके बावजूद शशिकला पार्टी महासचिव चुन ली गई। वहीं खबरों की माने तो शशिकला लगातार अपना विरोध कर रहे लोगों को किनारे करने की कोशिश कर रही हैं और जल्दी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं। देखते रहिए DB Live।